ऑल राइट, तो हे गाइस, दिस इज पराग 46 एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सो गाइस, मैं हूँ यॉर्क के हेलीफैक्स अकोमोडेशन में। काफ़ी सारे लोग मुझे डीएम कर रहे थे कि हेलीफैक्स का अकोमोडेशन दिखाओ। सो बेसिकली जैसे कि देख रहे हो, ये हेलीफैक्स का पूरा खाली हो चुका है। आज का लास्ट डे, वन एंड ओनली मैं बचा हूँ जिसने अभी तक खाली नहीं किया है। अभी मैं थोड़ी देर में खाली करने वाला हूँ, आपको यहाँ के रूम्स दिखाता हूँ। सो बेसिकली जैसे देख रहे हो, दिस इज बिग रूम। इसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा है, 200 पर वीक के हिसाब से इसकी प्राइस है। और जैसे देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा स्पेस है इसमें। ये आप देख सकते हो, ये मेरा अल्ट्रा वाइड नहीं है, नॉर्मल कैमरे से मैं शूट कर रहा हूँ। और स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, आप जैसे देख सकते हो, ड्रॉवर एंड सारी चीज़ें प्रोवाइड की है। अब आपके सारा सामान यहाँ पे आ जाएगा। ये हो गई इनसूट, आई डोंट नो क्या है, बट ये बड़ी रूम है। इसका प्राइस है 200 प्लस पर वीक। इसके बाद मैं दिखाता हूँ जो मेरी रूम है। सो बेसिकली ये जैसे कि देख रहे हो, मेरी रूम का साइज ये था। और जैसे आप देख सकते हो, छोटी सी रूम है, एक सिंगल बेड, चेयर आपको मिलेंगी, टेबल, स्टडी टेबल वहाँ पे, लाइट है, कबर्ड यहाँ पे मिल जाएगा कुछ इस तरीके का। एंड आप देख सकते हो, वॉशरूम आपको दिखा देता हूँ, छोटा सा वॉशरूम रहने वाला है कुछ इस तरीके का। एंड यहाँ पे हीटर तो रहता ही है, छोटा स्मॉल हीटर, दैट्स इट। एंड आपको किचन दिखा देता हूँ एक बार। बेसिकली दिस इज हेलीफैक्स किचन, सेम ही रहने वाली। किसी किसी का साइज छोटा है, किसी किसी का बड़ा है। आज क्लीनिंग डे था तो क्लीन हो रहा है, सारा चीज़ क्लीन कर दी इन लोगों ने। और जितना भी स्टफ था वो सारा फेंकने में गया है। काफ़ी सारे इंडियन लोगों ने काफ़ी सारा स्टफ फेंके हैं। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, बिकॉज नाउ आई एम इन हरी, आई हैव टू गो एंड कैच माई ट्रेन बिकॉज आई एम गोइंग टू लंडन। सो नेक्स्ट व्लॉग लंडन का आपको दिखाता हूँ। और काफ़ी लगेज है मेरा, तो मैं ट्रैवल ब्लॉग नहीं बना पाऊँगा, बट ये इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड की हो, आप जैसे कि देख सकते हो, ये काफ़ी आपको काम में आ सकती है, हेल्पफुल हो सकती है। क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो यूनिवर्सिटी पोर्टल पे जो पिक्चर्स अपलोड है हेलीफैक्स अकोमोडेशन की, वो समझ में नहीं आती। तो यहाँ से आपको एक रफ आइडिया आ जाएगा कि किस तरीके से एक सिंगल बंदा आराम से रह सकता है, दो लोग भी यहाँ पे रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यू हैव टू मैनेज ऑल दिस थिंग्स। Okay guys, see you later, bye bye, take care.